देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर हैं, मैं आपको बोला था एकदम समुंदर के बीचों बीच इसको सजाया गया है। ये पत्थर जो है कंक्रीट का है और यहाँ से आगे जो है समुंदर है। इसका कोई अब किनारा जो है दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत दूर है। और ये जहाज़ भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दो गो सीप है बड़े बड़े, आपको मैं दिखाएगा। ये देखिए, ये एक सीप है, आपको मैं यहाँ से, ये देखिए एक सीप ये है, दूसरा सीप ये है, बहुत दूर है, तीसरा एक छोटा वाला है। तो अब ये मेरे आँखों को दिख रहा है बट कैमरे में इतना पावर नहीं है जो इनको बढ़िया तरीके से दिखा सके। अभी ये पत्थर जो है आप देख सकते हैं, मैं झूम करके दिखाएगा आपको। ये देखिए, ये कंक्रीट और सीमेंट केमिकल से बना हुआ है ये पत्थर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, ये कितना बड़ा पत्थर है, उसके बगल में कितना बड़ा पत्थर है। ये देखिए, ये पूरा पत्थर का टीला है, समुद्र के लगभग बीचों बीच, मतलब कि जहाँ तक ये बना हुआ है पत्थर का टीला, मैं आ गया हूँ। ये बहुत दूर है, ये किनारे से 200 मीटर दूर है, मैं यहाँ तक आया हूँ। और यहाँ पे दुबई का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये एक छोटा सा लैंड होता है, पहुंचता है। तो आप ये देखिए, ये एक जो एरिया दिखा रहा हूँ ये है एक मैन मेड लैंड है जो कि समुद्र के बीच में मिट्टी डाल के बनाया गया है। और देखिए, एक बहुत दूर मिट्टी डाल के और एक छोटा सा घर भी बनाया गया है, आपको दिखाया गया। यहाँ से देखते रहिए, ये आ गया घर, ठीक है। यहाँ पर आपको झूम करके मैं दिखाएगा, समुद्र के बीचों बीच एक घर बना हुआ है, ये देखिए, ये हिल रहा है तो ना, यहाँ पे घर बना हुआ है मिट्टी डाल डाल बहुत अंदर, आपको दिखाई नहीं देगा, देखिए। और ये किनारा है, यहाँ मिट्टी डाल डाल के वो लोग समुंदर तक पहुँच गया है। तो समुद्र के बीचों बीच मैन मेड आयरलैंड बन गया है। अभी वहाँ पे कोई बस बैठा, मतलब कि इतना घर नहीं बनाया गया बट यहाँ पे घर बन गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे 10-12 को बिल्ला है, बहुत अच्छा जगह है। अब पत्थर की बात करें तो मैं आपको दिखाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। ये बड़ा बड़ा पत्थर है और ये जो है एक, इसमें लॉजिक ये है कि ये जो है नेचुरल नहीं है पत्थर, ये मैनमेड पत्थर है। देखिए, इतना बड़ा पत्थर का टीला बनाया है, ये सब पत्थर मैनमेड है। क्यों इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पत्थर में कॉन्क्रीट है और पहाड़ों का, बड़े बड़े पहाड़ों का छोटे छोटे पत्थर मिक्स किया गया है। और सीमेंट भी है, केमिकल है, बजरी भी है। मैं आपको दिखाएगा तो आप समझ में आएगा आपको, मैं आपको इधर आता है ये दिखाएगा, देखो ये देखिए, ये एक पत्थर है जिसमें ये पहाड़ों का, ये पहाड़ों का पत्थर है। और ये जो है, ये जो बजरी है, ये आपको दिख रहा है, ये जो बजरी है, ठीक है, ये पत्थर का टूटा हुआ पीस है। अब ये इसके अंदर जो है केमिकल भी है, सीमेंट भी है और रोड़ी भी है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं दूसरा पत्थर दिखा रहा हूँ, सीमेंट रोड़ी मिला हुआ है। ये हकीकत में ये मैनमेड पत्थर है, ये नेचुरल पत्थर नहीं है। इसको बनाया गया है समुद्र के किनारे डालने के लिए, शायद इसीलिए बनाया गया कि अब शायद पत्थर लाने में, इतने इतने बड़े पत्थरों को गाड़ियों का सहारे बहुत दूर से लाना पड़ेगा। और दुबई में तो ज़्यादातर पत्थर नहीं है, शायद रास अल खैमा एरिया में पत्थर हैं, तो वहाँ से लाने में इनको शायद ज़्यादा मनी की खर्चा होगा, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर ये समुद्र के किनारे पत्थर बनाया होगा। तो ये मैनमेड है, यानी कि ये बजरी पहाड़ों का पत्थर केमिकल सीमेंट से बनाया गया है। ये बहुत अच्छा
अच्छा पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर बने हैं, क्योंकि इनको गाड़ियों में लाना शायद असंभव का काम है, बहुत भारी होंगे। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये एक टुकड़ा है जो कि ये कंक्रीट का टुकड़ा है, ये पत्थर का नहीं है, और ये पूरा पत्थर जो है सीमेंट का है, ठीक है, ये कंक्रीट का टुकड़ा है, इसमें मिक्स किया गया है। तो आप देखिए, ये जो बने हैं ये डिजाइन के, ये सब प्योर सीमेंट, छोटे छोटे कंक्रीट, इसमें पत्थर नहीं मिलाया गया, इसको ढांचा दिया गया है ताकि डिजाइन अच्छा दिखाई दे, बट उसको ऐसा बनाया गया ताकि वो दिखाई दे कि पहाड़ों का पत्थर है। और ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि इसका कुछ लुक के किनारे को और बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तो अब चलते हैं हम लोग। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग।